Welcome to Simply Lakshmi's Life. वेरी गुड मॉर्निंग। एक फ्लावर के साथ आप लोगों को मैं ब्लॉग में वेलकम कर रही हूँ। एक्चुअली ये वाला फ्लावर ना मेरे हाथ से टूट गया था, तो इसको मैं पानी के अंदर रख दूँगी, और पानी के अंदर रखने से ना ये बहुत दिनों तक ताजे रहते हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। आज है संडे, तो मैंने सोचा आज इतना हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा बैल्कनी में आके खड़े हो जाओ। और यहाँ पे मेरे साथ ना सिम्बा भी आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। और आज बहुत सारा बर्तन मेरा जमा हुआ था पूजा का, बहुत ही जल्द शिवरात्रि भी आने वाला है, तो मैंने सोचा जो बर्तन है उसको क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही साथ उसको अच्छे से पोंछ के रख दूँगी ताकि ये बहुत दिनों तक ऐसे ही रहे। और कल मंडे है, तो मंडे के दिन पूजा के लिए बेलपत्ता चाहिए होता है। आज अतनु गया था केयरपुरम, वहाँ से लेके आ गए हैं बेलपत्ता, और मुझे शिवरात्रि पूजा में भी चाहिए। उस टाइम अतनु थोड़ा बाहर जाएंगे, तो इसीलिए ना सारा कुछ पूजा की जो सामग्री है वो अतनु लाके रख दिए हैं। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं पोहा और चाय, चाय के साथ। और ये ना मैं थर्सडे को बनाने वाली थी, बट थर्सडे को हम लोग लेट हो गए थे, तो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था पोहा को भिगो के, फिर आज मैंने बना लिया है। और ऐसा ना मेरे साथ बहुत हुआ है, पोहा बनाने के लिए मैंने पोहा को भिगोया है, उसके बाद फ्रिज में रख दिया है, उसके नेक्स्ट डे या दो दिन के बाद जब मैं पोहा बनाती हूँ तो पोहा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो आजकल मैं ऐसा ही करती हूँ, पोहा को भिगो के फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं घर पे बना रही हूँ पांच फोड़ों तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि तीन चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। मार्केट वाला मैंने दो बार ख़रीदा था, बट वो ना ज़्यादा दिन तक नहीं अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैंने मार्केट वाला ख़रीदना छोड़ दिया है, घर पे ही बना रही हूँ। बाद में इसमें अजवन मिक्स करूँगी, और आप चाहो तो जीरा भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ मिक्स। और यहाँ पे मेरी पालक की सब्ज़ी बन गई है, ये बिना पानी का बहुत अच्छा बनता है। और आज बन रही है फ़िश, तो ये ना फ़िश मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही बड़ा था साइज़ में। ये ना फिल्टर चेंज करके गया, आज एक साल हो गया ना। एक साल चलेगा। ये प्यूरिट का है ना। हाँ, तो अभी सिम्बा को भूख लग गया है, वो आके काम कर रहा था ना, वो एक बजे ही आता है, मतलब टाइमिंग उन लोगों का फिक्स रहता है दोपहर के टाइम, खाना खाने का टाइम नहीं आता है। हाँ, तो चलो सिम्बा को खाना देंगे, चलो चलो चलो, तो ये खबर दे दी, चलो चलो बाबूली अमन छोड़ो की जुबे जुबे वो। और ये हमारा आज का मेन्यू, फिश की ग्रेवी टैमरिंड डाल के और थोड़ा खट्टा खट्टा, जब धूप बहुत ज़्यादा होता है ना तो बचपन में मम्मी ये वाला माछेर झोल बनाती थी, ये बहुत ही अच्छा रहता है धूप में अगर आप बाहर जा रहे हो तो, ये खा के हम लोग ना स्कूल जाते थे। और ये है पालक साग, और ये है स्पिनच पालक की सब्जी। तो ये हमारा आज का मेनू। और कृति को पापड़ चाहिए क्या? क्यों, फिश है पापड़ क्यों? आई हेट फिश। गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पे, और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है ना सज धज के जाने का, तो सिम्बा को खाना दे दिया है, तो हम लोग एक दो घंटे के अंदर आ जाएंगे। हाँ, डेढ़ दो घंटे के अंदर आ जाएंगे, तो इसीलिए सिम्बा को खाना खिला दिया, और थोड़ा लेट से भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ चलिए, तो ये रहा मेरा आउटफिट, ये वाला ब्लाउज मैंने फर्स्ट टाइम अभी पहना है, और पहले जब पहना था तो ब्लाउज पीस नहीं बनवाया था, सो फाइनली ये पहनने का मौका मिल गया मुझे। और ये कृति का बर्थडे ड्रेस है, जो कृति ने इस बार अपना बर्थडे ड्रेस पहना, सबसे बोल रही थी कि नहीं पहनूंगी, मैंने बोला चलो पहन लो एक बार, एटलीस्ट एक बार तो पहनना पड़ता है ना। एकदम सही बात है, वही तो वो हर बार बोलती है कि मेरा बर्थडे तो मेरा है, मैं बर्थडे ड्रेस पहन के क्यों जाऊं, तो जो भी हो। और ये रहा अतनु, ये रहे अतनु, अतनु ने ये वाला कुर्ता पहना है, तो चलो चलो अरे सुनो धोरे ने चल।
और हम लोग आए हैं पायल की पार्टी में, मतलब उनका छोटा बेटा जो है उसका बर्थडे है और साथ में उन दोनों की एनिवर्सरी है, तो दोनों सेलिब्रेशन साथ में था। और यहाँ पे ना सब एकदम बच्चे बन गए हैं, मतलब अतनु और प्रसन्नजीता दोनों उनके स्कूल या और कॉलेज के फ्रेंड है, तो दोनों की जो मस्ती है ऐसे ही चलता रहता है, मतलब तीनों का जो मस्ती है ऐसा ही चलता रहता है। हैप्पी होली। चल हम लोग घूमो कभी, चल चल। कृति को गुड नाइट बोलने के लिए आया था और आके इधर फाइट करने लग गए। चलो चलो हजे 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 फाइट करा, ओ भय जड़ो, चलो तुम ये चलो छेद हो, चले आस भाई, चलो दीदी की गुड नाइट बोला है, चले सिमु सिमु कम कम सिमु कम गुड नाइट, चले सो सिमु, चले सो जा जा जा। और आज अतनु जा रहा है ऑफिस के काम पे थोड़ा बाहर। ये वाला ट्रॉली ना हम लोगों ने ऑनलाइन लिया है, एक छोटा सा ट्रॉली हम लोगों को चाहिए था, मतलब अतनु को चाहिए था। ये वाला ट्रॉली ना हम लोगों ने ऑनलाइन लिया है, इसका लिंक मैं दे दूंगी, बट ये अमेरिकन टूरिस्ट का है और इसका प्राइस 3000 ऐसा कुछ लिया है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रॉली चाहिए था, इसका ये साइज़ का ट्रॉली हमारे पास नहीं था। सो ये वाला ट्रॉली, और मैंने शेयर किया था कि अतनु के लिए कोई शॉपिंग करना है, क्योंकि अतनु का फॉर्मल ड्रेस जो है बहुत ही कम है, क्योंकि अतनु फॉर्मल पहन के ऑफिस जाते नहीं है, पहले भी बहुत पहले से ही, तो फॉर्मल अतनु के पास बहुत ही कम रहता है, तो इसीलिए हम लोगों को दो चार बार शॉपिंग के लिए जाना पड़ा था। अभी कृति मैं और सिम्बा, सिम्बा को उधर रख दिया है, अभी उसको बहुत जल्द मुझे इधर लाना पड़ेगा, नहीं तो वो देखो स्टार्ट हो गया उसका, अकेले उसको नहीं रहना है। एक्चुअली ना डोर ओपन करती हूँ थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम, तो इसके लिए उसको वहां रखती हूँ, अभी मैं ये वाला खोल दूंगी और सिम्बा भी इधर आ जाएगा। और सिम्बा यहाँ आके थक गया है, बहुत काम किया उसने, अभी रेस्ट कर रहा है, करो रेस्ट करो, चलो तुम्हें पढ़ते बसो। और कृति अभी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, और हम दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि रात को क्या हम लोग डिनर पे बनाएंगे, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग नूडल्स बनाएंगे। अतनु को ना रोटी चावल से अलग कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है, कभी कभार खा लेते हैं बट इतना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कुछ अलग खाना। गुड मॉर्निंग, मैं अभी जा रही हूँ कृति को छोड़ने, अतनु दूसरे दिन जाता है ना, तो इसीलिए इस टाइम पे मुझे इतना हड़बड़ी नहीं होता है, फिर भी मैंने उसको जल्दी जल्दी उठाया था, मतलब 6 o'clock ऐसा, तो अभी वो सिम्बा को लेके आगे गया है, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, अभी टाइम है मतलब 10 minutes टाइम है, अभी 10 minutes आगे ही जा रहे हैं हम लोग। मैं नीचे ओए गोलर मंद पड़ा बॉडी ओ दीची খুব দুষ্ট হয়েছে তুমি, চলো চলো বাইরে চলো।